अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको जूपी ऑटो की कुछ मॉडिफिकेशंस करके दिखाएंगे। व्यूअर्स, जूपी ऑटो वही लेता है जो बजट में रहना चाहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट वगैरह जो हैं वो जूपी ऑटो प्रेफर करते हैं, क्योंकि जूपी ऑटो की जो है वो पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी है। तो जो भी बंदा न्यू गाड़ी लेता है वो जूपी ऑटो की जो है वो प्रोटेक्शन के लिए लाजमी कोई ना कोई काम करवाएगा। तो इसी तरह हम भी आज आपको जूपी ऑटो की प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम करके दिखाएंगे। इसकी टेपिंग मेरा जो है मेन जगह पे जो होती है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे जो रंग इसका जो है वो ख़राब होगा, वहाँ पे टेपिंग करनी चाहिए। इसके साथ साथ हम इसके मिरर्स भी टिंट करेंगे। आपको बताएंगे कि जो स्क्वायरलेस पेपर है उसके अगर आप मिरर टिंट करें तो कितना चार्ज आएगा, और अगर नॉर्मल मिरर टिंट करें तो उसका आपको कितना चार्ज आएगा। इसके साथ साथ हमारे पास VIP किस्म के व्हील कप्स अवेलेबल हैं, वो भी आपको लगा के चेक कराएंगे उनका कितना चार्ज आता है और नॉर्मल व्हील कप्स का कितना चार्ज आता है। इसके साथ साथ इसका डैशबोर्ड मैट है और तीन चार चीज़ें और भी हम करेंगे, वो आपको इस वीडियो में दिखाते चलते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, प्रोटेक्शन के फर्स्ट स्टेप में आप ये जो आपके डोर हैंडल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने टेपिंग करनी है, क्योंकि ये देखें जब आप ऐसे हाथ पकड़ के ना ये हैंडल खोलते हैं तो यहाँ पे नाखून में निशान आ जाते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी गाड़ी का रंग जो है वो तेज होता है और यहाँ से फेड होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने ये टेपिंग काट के लाई है प्रॉपर। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से साफ करें, इसके बाद कैमरा क्लोज लें, मैं आपको चेक कराता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है हमने माई टेप यहाँ पे डोर हैंडल के नीचे अप्लाई कर लिया। इसी तरह हम बाकी जो तीन हैंडल हैं वहाँ भी लगा लेते हैं। इसके बाद हम आपको चेक करवाते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है। डोर हैंडल की टेपिंग करने के बाद अब हम फुटबोर्ड की टेपिंग स्टार्ट करेंगे। इसकी भी टेप मैंने प्रॉपर काट के लाई है, ये आप देखिए। जिस तरह पे यहाँ पे हमने टेप पेस्ट की है, सेम इसी तरह हम बाकी तीनों साइड भी पेस्ट करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसको हीट गन से वार्म कर लें। हीट गन लगाने से ये होगा कि आपकी टेप की मजबूती थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। टेप लगाने के बाद आप हम नीचे वाले जो फुटबोर्ड है वहाँ पे टेप लगाएंगे और अच्छी तरह से आप इसे साफ कर लें। आप ये खुद भी लगा सकते हैं, मैं अभी आपको चेकअप बताऊँगा ताकि इसमें डर्ट वगैरह या डस्ट वगैरह ना रहे। ये टेप भी अप्लाई करना बहुत ईजी है, सिर्फ आपको इसके साथ साथ एक जो चीज़ चाहिए वो होगी हीट गन।
ऑल्टो का यहाँ पे प्रॉपर कट बनाता है, तो आपने कट के साथ बिल्कुल बराबर ले गया नहीं है और पेश कर देनी है। फुटबोर्ड की टेपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है दोनों साइड पे, ऊपर भी नीचे भी। इसके बाद जो है ये पैनल्स आते हैं यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के, यहाँ पे अब हमें ये टेपिंग करनी है। मैंने कार्ड भी लाई है, ये भी मैट ब्लैक कलर की है, तो अभी हम ये अप्लाई कर देते हैं। ये जितने भी हमने टेपिंग की है डोर हैंडल्स के साइड पे और आपके अंदर वाले फुटबोर्ड पे, बाहर वाले फुटबोर्ड पे, और इसके अलावा जो साइड पे मैट ब्लैक हमने टेप लगाई है जो पैनल पे है, वो टोटल आपकी जो कॉस्ट करेगी वो 1200 है, जस्ट 1200 की। इसके बाद हम करेंगे स्कैलेस टिंट अपनी गाड़ी का बैक शीशा पहले वन पीस में, तो चलिए आपको वो दिखाते हैं कैसे करते हैं। बस बैक में हम स्कैलेस पेपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक तो ये देखें डिफॉगर होता है आपका, ठीक है। जब आप अच्छी क्वालिटी का पेपर लगाएंगे तो ये आपके डिफॉगर की जो लाइंस हैं ये ख़राब नहीं होंगी। अगर आप नॉर्मल पेपर लगाएंगे तो जब वो फेड हो जाएगा आप उसे उतारेंगे तो गम छोड़ देगा, गम उतारने के लिए आप जब ब्लेड लगाएंगे तो डिफॉगर की लाइन खत्म। इसलिए हम स्कैलेस पेपर लगाएंगे वन पीस में, नॉर्मल पेपर आपका वन पीस में लगता नहीं।
अभी हमने जो है पेपर वायर से प्रॉपर कटिंग करके बिठा लिए और अभी हमने पेपर को अंदर अप्लाई कर दिया। तो ये फॉगर के आते हैं क्लिप्स, ये हमने उतार लिए, बैटरी का कवर आता है ये आपने उतार देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक स्टिकर था वो मैंने उतारा है, और एक यहाँ से ये सब आता है बैक पे ट्रीट करने के बाद हमने जो है ये साइड पर जो है ये 50% जो ट्रीट की है, बाकी मैं ट्रीट कर चुका हूँ, ये लास्ट है मेरा पेपर जो मैं ये इसका जो है शीशा पर ट्रीट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बाकी ट्रीट चेक करवा देता हूँ, ये वाला आप चेक करें क्वालिटी, आपको मैं चेक करा देता हूँ कोटिंग पेपर में। बहुत ही ज़्यादा क्लियर इसकी विजिबिलिटी होती है और बहुत ही प्यारा लगता है ये। अच्छा नॉर्मल पेपर का ये होता है कि नॉर्मल पेपर आपको जो है ना थोड़ा जल्दी फेड हो जाता है और फिर आपको पेपर अगैन चेंज करना पड़ता है, लेकिन जो कोरियन पेपर होता है वो कभी आपका फेड होता ही नहीं है, होता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और जब उतारना हो तो आराम से उतर जाता है, कोई गम वगैरह नहीं छोड़ता और एक ही पीस में उतर जाता है जैसे आप लगा रहे हैं वैसे ये पेपर। लोग ये कहते हैं कि आप जब ब्लेड ऐसे मारते हैं तो ये इसकी किनारी खराब हो जाती है या नहीं होती, तो इसकी किनारी प्रॉपर कर वही होती है, आप जब ब्लेड मारते हैं आपकी किनारी को कुछ नहीं होता। काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि लोग यहाँ से जो है वो कटिंग करा देते हैं कि जब पेपर ऊपर जाता है तो भाई खराब नहीं होता, लेकिन आप इस तरह भी कटिंग करें तो आपका पेपर खराब नहीं होता और इस तरह ज़्यादा प्यारा लगता है, समझ भी नहीं लगती पेपर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। उतना आप इतनी कटिंग छोड़ें तो वो जब शीशा नीचे करेंगे तो वो तो इतना प्यारा भी नहीं लगेगा, बहुत प्यारा लगता है। हम सारी गाड़ी को अटेंड कर चुके हैं, उसके अलावा ये हमारे विलकप हमें लगाने हैं जो स्टॉक में आते हैं उनके ऊपर विलकप भी नहीं होते रिम्स के ऊपर, तो हम ये विलकप लगाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत प्यारा कार्बन डिजाइन बना हुआ है और यहाँ पे इसका सिल्वर डिजाइन है और ये प्रीमियम क्वालिटी वाले जो हैं विलकप्स हैं। अभी हम आपको ये लगा के चेक करवाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके स्पेक्ट्रम में अगर आप सारे मिरर अटेंड करें तो आपको कॉस्ट करते हैं अराउंड 3000, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रंट शेड छोटी जो मिरर्स होते हैं आपके। बाकी अगर आप नॉर्मल जो है वो मिरर स्टेंड करें नॉर्मल पेपर में तो वो आपको अराउंड अबाउट 1500 कॉस्ट कर जाते हैं, ठीक है, या अराउंड 1200 टोटल आते हैं। और ये जो विलकप हैं अच्छी क्वालिटी के ये आपको कॉस्ट करेंगे 2500। इसमें आप थोड़ा हल्का डिज़ाइन लें, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो हमने विलकप लगाए हैं वो 1200 रुपये के भी थे, अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी हुई तो ऑल्टो की मोटिफिकेशन की वीडियो हमारे पास एक अलग पड़ी है वो आप चेक कर लें,
तो अभी हम इनको फिट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये जैविल कप फिट हो चुका है, तो इसे पीछे से मैं आपको अगर वीडियो दिखाऊंगा तो देखो बहुत ही प्यारा टाइट प्रोफाइल भी इसकी बहुत सही आ रही है और यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है। और आजकल ये ऑटो का जो है डैशबोर्ड कपड़ा आ रहा है बहुत ही प्यारा है, इसकी वूल अगर आप चेक करें तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की है और काफ़ी सॉफ्ट है। ये आपके डैशबोर्ड को ज़रा भी जो है खराब नहीं होने देगा और काफ़ी मोटी रहना है। इसकी बैक पे अगर आप देखें तो इसके ऊपर पैटर्न बना हुआ है रबड़ी टेक्सचर में, ठीक है, जो नॉन स्लिप है, स्लिप नहीं होने देगा आपके डैशबोर्ड। तो चलिए आपको यहीं रख के चेक करवा देते हैं। अभी की वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में सुजुकी ऑल्टो के फ्लोर मैट, फ्लोर मैटिंग और इसके साथ साथ इसके सीट कवर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।